उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर लगभग तैयार हो चुका है। रामलला मंदिर में 22 जनवरी को विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर के राम भक्त तैयारी कर रहे हैं। भगवान राम की प्रतिमा को भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। जितनी चर्चा गर्भगृह में स्थापित की जाने वाली मूर्ति की हो रही है और लोग उसके दर्शन के लिए आतुर हैं, उतनी ही अहम है अयोध्या में मौजूद श्री राम की प्राचीन प्रतिमा, जिसके लिए सोने के नैन बनवाए गए हैं। भगवान राम की प्राचीन प्रतिमा के लिए सोने के नेत्र जोधपुर में तराशे गए और बीकानेर के कारीगर द्वारा मीनाकारी के रंगों से निखारे गए हैं। जोधपुर के कारीगर पल्लव सोनी ने इस संबंध में जानकारी दी। अयोध्या में श्री राम जी की पुरानी प्रतिमा है, प्राचीन प्रतिमा, उनके नेत्र बनाने का सौभाग्य हमें मिला है और इसमें मीनाकारी का काम वीरेंद्र जी के द्वारा किया गया है और सोने का काम मेरे द्वारा किया गया है। ये 22 कैरेट सोने से बनी हुई है और लगभग 3-4 दिन में नेत्र बने थे मेरे पास। ये जो आप देख रहे हैं, ये श्री राम की प्राचीन प्रतिमा में लगे पुराने नेत्र हैं। कारीगर ने 15 जुलाई को ही सोने के नए नेत्र बनाकर अयोध्या में पुजारी संतोष तिवारी को सौंप दिए थे। आपको बताते चलें कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से तैयार हो गया है। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में लिफ्ट का भी इंतजाम किया गया है। वहीं मंदिर को भव्य बनाने के लिए तरह तरह के मार्बल, पत्थर आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है।